Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निमरा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निमरा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और हमारा आए दिन, मैंने क्या ही मैं आप आपको बताऊँ कि आए दिन हमारा जो है ना सफाई वाली छुट्टी कर लेती है और आज फिर छुट्टी करके बैठ गई है। ऊपर भाभी भी बोल रही हैं, नीचे मम्मा भी बोल रही हैं। मतलब मसला क्या है, क्या मैसेज आया उसका? उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। देखो यार, ससुराल वाले आ रहे हैं ईद देने, कभी बुखार कभी कुछ, तो सफाई कौन करे? सफाई तुम मैं काम वाली बन जाऊं। और आप क्या करी हो? रोजा रखे? मैं रोजा है, बच्चों को डील कर रही हूँ। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, इसको फीडर पिला रही। हसान कहाँ गया? हसान गया हुआ एकेडमी पढ़ने के लिए। और तुम क्या करके आई हो? कुछ भी नहीं, सो के उठ के आई हूँ और मैंने कहा सुबह सुबह फ्रेश हो जाऊँ और बालों का मेरा कबाड़ा हो गया। मैंने कंडीशनर लगाना छोड़ दिया ना, इसलिए मेरे से नहीं लगाया जाता, बहुत रफ हो गए। लेकिन नहीं, वो मुझे तो लगता है रफ करता है कंडीशनर। नहीं, कंडीशनर सही करता है। तो फिर क्यों नहीं लगाती? मेरे से नहीं लगता तो लगाया करो ना। मैंने कंडीशनर, मैं कह रही हूँ मेरे ओरिजिनल बाल वापस आ जाए। खैर गाइज, व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दिया। रहे मेरे साथ आज मेरा मी टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं कब से ऊपर आई भी हूँ, ऊपर ही छत पे सो भी गई। मैं दिल्ली नहीं कर रहा नीचे जाने को। सो अभी मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। वैसे भी मेरा मी टाइम ही होता है हर वक्त, लेकिन आज कुछ स्पेशल वाला मी लग रहा है मुझे मी टाइम, क्योंकि मैं कितने बजे, 2 बजे आई थी ऊपर और अब मुझे लगता है 5:30 के करीब टाइम होने वाला है। सो अभी चलते हैं नीचे, तो जाना पड़ेगा, पढ़ते हैं असर, इफ्तारी वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं उससे। अभी रोज़ा वगैरह खोल लिया है और हमारे घर में ऐसे अंधेरा हो गया जैसे पता नहीं रात का कितना पहर है। लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा क्या टाइम हो रहा है, 8:10 हो रहे हैं। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। पेट में बार बार दर्द हो रही है, पता नहीं अब मुझे लगता है मेरे सफ़र करने की वजह से मुझे या तो गैस जो होता है ना गैस्ट्रो उसका मसला हो जाता है, या फिर पता नहीं क्या हुआ है, गंदी चीज़ें खाई थी कल, कुछ चोरी खाई थी, फिर साथ ही पिज़्ज़ा खाया, तो शायद थोड़ा थोड़ा डायरिया भी हो रहा है। तो बल्ला खैर करे मेरे जो बाकी के रोज़े रह गए हैं, सेहत और तंदरुस्ती के साथ और खुशो खुजू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हुए गुजरें। तो अभी मैं कपड़े तो ले आई भी हुई हूँ बड़ी एक्साइटेड होके, लेकिन अब मेरे में इतना नहीं हो पा रहा कि सामने दर्जन है मैं जाके उसको कपड़े ही दे आऊँ। खैर अभी है कि थोड़ी देर लेटती हूँ, मेरा दिल भी थोड़ा वॉमिटिंग वाला हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई ना तो फिर मैं जाके मेडिसिन ले आऊँ। तो अब ये है कि बारिश हो रही है बाहर और देखते हैं कैसे मेरे व्लॉग्स आजकल बन रहे हैं फजूल से, लेजी से। चलो खैर, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा ही है, साथ साथ चलता रहेगा सब कुछ। सो रहे हैं मेरे साथ और अभी हिम्मत करके मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े दर्जन को दे आऊँ। गाइस बहुत हैवी बारिश हो रही है, ओले पड़े हैं यहाँ पे। तो वही ओले ही देखे, ओले मज़े की बारिश है। सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और भूख भी पता नहीं क्यों मुझे लग रही है। सो अभी मैं खा रही हूँ अंडा, नमक और मिर्चों वाला अंडा, कभी कभी खाने को बहुत दिल करता है, साथ में रोटी और शेब। यहाँ पे क्या कर रहा है भला, वो खा रहा है गोभी वाला पराठा खा रहा है, इतने हैवी पराठे मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अम्मी के बेटे को नज़र ना लग जाए जो खा रहा है, अम्मी कहती है उसको तो खाने दो। अम्मी आपने कभी सैरी बाहर की है जिंदगी में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम आज अपने घर में करते हैं। मुझे तो लगता है कभी इफ्तारी भी बच्चे करते हैं बाहर, कभी मैंने कभी जिंदगी में बाहर इफ्तारी की है। और इफ्तारी कभी बाहर की? तो कॉलेज कटने वाले जी रहने, फिर कॉलेज कटने जी, मैं क्या आंदे कुछ पी लंदे मासा पा। और कभी इफ्तारी की है बाहर अम्मी? नहीं जी, बच्चे करते हैं, मैंने तो कभी नहीं। क्यों, आपका दिल नहीं करता बाहर जाके? मैं अपने घर में खुश होती हूँ और किसी से अच्छा मेरी तैयार करके करती हूँ। तो अच्छा, मेरा ना रात को जरा मेरा जो नाप है ना वो निकाल के सोना, मैं सुबह दर्जन को कपड़े दे आऊँगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे नहीं पता मेरे सही नाप का। सुबह से मैंने बालों को ना कॉम नहीं किया हुआ, इसलिए बालों का बना हुआ है कबाड़ा। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं इनको कलर कर लेती हूँ। तो बाकी ये है कि ये रमज़ान मेरे पे बहुत भारी जा रहा है, एक आजमाइश जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है, और दूसरी जाती नहीं है कि तीसरी आ जाती है। सो इन आजमाइशों को काटना तो है, बंदा
बाकी सबके आगे तो नहीं रो के दिखा सकता कि मसले क्या चल रहे हैं लाइफ में। तो रोना तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के आगे होता है, तो और बंदों के सामने तो रोना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। खैर गाइस, यही है कि बारी तो है रमज़ान, बाकी है कि आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानी पैदा करें मेरी लाइफ में, और बाकी भी तमाम मेरी जो देख रही हैं बेटियाँ बहनें भाई जो भी, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक सबकी हल फरमाएं। सबको इंसान देखने से तो बहुत खुश नज़र आता है, बहुत हैप्पी नज़र आता है, बड़ा मतलब कि दूसरों की लाइफ देख के इंसान को लगता है कि हाय ये इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, लेकिन वो वही नज़र आ रहा होता है जो हम आपको दिखा रहे होते हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंसर और जो मतलब जो व्लॉगर्स होते हैं वो आपको दिखाना चाह रहे होते हैं, वो नहीं दिखा सकते जो कि एक रियलिटी लाइफ में चल रही होती है। किसी को नहीं पता कि वो क्या फ़ेस कर रहा है अपनी रियल लाइफ में। खैर यही ज़िंदगी है और चलती रहेगी, साथ साथ ये सबक होते हैं ज़िंदगी के जिससे बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मज़बूत होता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लोग होते हैं जो बंदा ऐसे होते हैं नज़रों में और फिर ऐसे गिर जाते हैं, वो मेम मुझे याद आ रही तो वो बस ऐसे ऐसे गिर जाते हैं नज़रों से। खैर चलती रहेगी यही आपके साथ लाइफ अपडेट, और दुआ में खुसूसी याद रखिएगा, और यही था आज का व्लॉग, अल्लाह हाफिज़। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, काफ़ी व्लॉग्स में मैं नहीं कह रही हूँ ये, तो अभी तक आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दें और आइकॉन बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।